एक और खुशनसीब आदमी हैं जो लंदन में अपने कारोबारी सिलसिले में रहते थे और वहाँ पर उन्होंने इफ्तिखार आरिफ और अहमद फराज के साथ एक तवील अरसा लंदन में गुजारा। बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत शायर, और नज़्म के हवाले से आजकल इन्होंने नज़मों पे बहुत काम शुरू किया है और बहुत ही मेयारी नज़में आप उनसे समाअत फरमाएंगे। मैं कानपुर से तशरीफ़ लाए जनाब उमर फारूक साहब से गुजारिश कर रहा हूँ उन्हीं के शेर के साथ कि शोर इतना था आस्तीनों में, शोर इतना था आस्तीनों में, हमने बाजू उतार फेंके हैं। जनाब उमर फारूक साहब, अर्ज़ किया है कि बिखर गए तो बिखरने में अपनी ज़ात खुली, तो सिमट गए तो ये देखा कि कायनात खुली। क्या कहना है, वाह वाह वाह। बिखर गए तो बिखरने में अपनी ज़ात खुली, वाह वाह वाह। सिमट गए तो ये देखा कि कायनात खुली, तमाम साहिब इदराक मुस्तरिब थे मगर, वाह। सहर के आने से पहले ही बस ये रात खुली, वाह। तमाम साहिब इदराक मुस्तरिब थे मगर, सहर के आने से पहले ही बस ये रात खुली, वो कलाम होता तो शायद कहीं वो रुक जाते, जो चुप रहे तो हुआ ये हर एक बात खुली, कलाम होता तो शायद कहीं वो रुक जाते, जो चुप रहे तो हुआ ये हर एक बात खुली, बिखर गए तो बिखरने में अपनी ज़ात खुली, वाह। सिमट गए तो ये देखा कि कायनात खुली, वाह। कलाम होता तो शायद कहीं वो रुक जाते, जो चुप रहे तो हुआ ये हर एक बात खुली। बहुत अच्छा, वाह। और कुछ शेर सुनाता हूँ कि वो खौफ है कि असीरी का एतराफ़ भी क्या, तेरे वजूद के होने का इन्हराफ़ भी क्या, वाह। वो खौफ है कि असीरी का एतराफ भी क्या, कहने वाह। तेरे वजूद के होने का इन्हराफ भी क्या, माफ़ कीजिएगा मैं गुलो बुलबुल की शायरी नहीं, नहीं, करता हूँ इसलिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन हम लोग काफ़ी हैं। जो गर्द है वो भी जम गई है आँखों पर, वाह। तो आईने में कोई शक्ल गर हो साफ भी क्या, वाह वाह। और निकल पड़ा हूँ कबीले से अपने लश्कर से, निकल पड़ा हूँ के हो सरदार फिर खिलाफ भी क्या, क्या कहने, वाह वाह वाह। ये आँख नूरे मुजस्सम है, दिल है उसकी पनाह, वाह। ज्यादा इससे कोई और इंकशाफ भी क्या, क्या कहने, वाह वाह वाह। ये आँख वाह वाह वाह, नूरे मुजस्सम है, क्या कहने उमर भाई, वाह 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 वाह। ज्यादा इससे कोई और इंकशाफ भी क्या, बहुत अच्छा। वो खौफ है कि असीरी का एतराफ भी क्या, क्या क्या शेर सुना रहे हैं, तेरे वजूद के होने का इन्हराफ भी क्या, जो गर्द है वो भी जम गई है आंखों पर, जो गर्द तो आईने में कोई शक्ल गर हो साफ भी क्या। निकल पड़ा हूँ कबीले से अपने लश्कर से, वो तेग हो के हो सरदार फिर खिलाफ भी क्या, वाह। एक नज़्म सुनाता हूँ हसन भाई, मुख्तसर एक नज़्म सुनाता हूँ। जी जी इरशाद। हदीसे गम को अगर एक लफ्ज में लिखूं, हदीसे गम को अगर एक तो लफ्ज में, फरेबी का उन्वान सबसे बेहतर है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हदीसे गम को अगर एक लफ्ज में लिखूं तो खुद फरेबी का उन्वान सबसे बेहतर है, ये खुद फरेबी आवाज आ रही है, गौर से समंदर की तह में जाकर भी निकल के रेत पे आकर के फैल जाती है, वाह। हदीसे गम को अगर एक लफ्ज में लिखूं तो खुद फरेबी का उन्वान सबसे बेहतर है, ये खुद फरेबी समंदर की तह में जाकर भी निकल के रेत पे आकर के फैल जाती है, और उसके बाद ये कदमों की खाक में मिलकर जहाने रंग के सौ सौ तवाफ करती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। और उसके बाद ये कदमों की खाक में मिलकर, बहुत अच्छा, जहाने रंग के सौ सौ तवाफ करती है, निगार खानों से लेकर हरी में नाच तलक भटक रही है, ये नगमों से लेकर सांस तलक, वाह। हवा के दोष पे करती है सैर गुलशन में, फरेब सारे समेटे हुए है दामन में, वाह। कफस में जाके वहाँ भी कयाम करती है,
فریب غم کا ہر ایک اہتمام کرتی ہے. واہ واہ واہ. یہ خود فریبی تو صحرا سراب دونوں سے نکال سکتی ہے خود کو, مگر بیابا میں ہر ایک قدم کی مسافت کو طول کرتی ہے اور نشان منزل جانا کو دھول کرتی ہے. واہ 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 واہ. ارے کچھ اور سنیں بھائی, ایک نظم اور سنائیے. ایک نظم اور سنا دیتا ہوں. پچھلے دنوں یہ جو دہلی میں رائٹس ہوئے, ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تو میں نے ایک نظم کہی, اس کا عنوان ہے نکڑ. کہ گلی کے نکڑ پہ چند لوگوں نے ایک لڑکے کو دھر لیا تھا, پھر اس سے پوچھا کہ نام کیا ہے. واہ. وہ اس سے پہلے کہ کچھ بتاتا کسی نے اس کی قمیص پھاڑی. واہ. تو اس کی گردن میں کالے دھاگے میں ایک چاندی کی چھوٹی عبید ناصر صاحب تشریف رکھیے, بہت قیمتی شاعر ہیں بھی. گلی کے نکڑ پر چند لوگوں نے ایک لڑکے کو دھر لیا تھا, پھر اس سے پوچھا کہ نام کیا ہے. وہ اس سے پہلے کہ کچھ بتاتا کسی نے اس کی قمیص پھاڑی, تو اس کی گردن میں کالے دھاگے میں ایک چاندی کی چھوٹی ڈبیا میں موم جامع کیا ہوا کچھ لٹک رہا. یہ کیا ہے اس میں, سوال پوچھا. یہ ماں کی منت ہے میرے ہونے کی ہے یہ ماں کی منت سے میرے ہونے کی ہے گواہی, قلندروں کے یہ دست شفقت سے زعفرانی حروف میں بس کلام مولا لکھا ہوا. یہ کیا ہے اس میں, یہ میرے ہونے کی ہے گواہی, قلندروں کے یہ دست شفقت سے زعفرانی حروف میں بس کلام مولا لکھا ہوا ہے. یہ بات فوراً سمجھ گئے سب, کسی نے چپکے سے کچھ کہا پھر, جو شور بن کر گلی سے چاروں سمتوں میں کھو گیا تھا. وہ ایک لڑکا جو اعتبار و یقین میں دیوار ہو گیا تھا, اور گزرنے والوں نے پھر یہ دیکھا, گلی کے نکڑ پہ ماں کی منت, وہ موم جانما, وہ ایک چاندی کی چھوٹی ڈبیا, وہ ایک گردن میں کالے دھاگے کے ساتھ ایسے لٹک رہی تھی کہ جیسے زندہ ولی کے چوکھٹ پہ لوگ آ کر کھڑے ہوئے ہوں. واہ 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 واہ.